रहे हैं, माँ बाप सुख में है कि दुख में है, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं उनके दर्द को, तो ऐसी पढ़ाई से आपको कोई फायदा नहीं। तो आपके अंदर भी वो मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने भेजा, जिस विश्वास के साथ हमसे जुड़ने के लिए भेजा, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। पढ़ने के टाइम में सिर्फ पढ़े, खेलने का टाइम है खेले भी, ऐसा नहीं कि खेल धूप मना है, लेकिन फिजिकल वर्क होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल पे रख करके दो घंटा खेल समझ रहे हैं कि हम वही खेल कर रहे हैं, तो फिर जिंदगी खेल हो जाएगी। तो आपको चाहिए कि फिजिकल एक्सरसाइज करें और जो पढ़ाई का टाइम है उसको ईमानदारी से करें, रेगुलरिटी को मेंटेन करें। जो चीज नहीं समझ में आती है टीचर्स से पूछें, टीचर्स आपके गार्जियन हैं, टीचर्स आपके फ्रेंड हैं, आप उनसे हर चीज शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर्स, टीचर्स और वकील, इन सब चीजों से छिपाना नहीं चाहिए अपने मर्ज को, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है आगे जाकर। तो उन चीजों को आपको समझना है। अपने लाइफ में बहुत सारी कठिनाई आई होगी, हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आए, रहने में दिक्कत हो, इन सब चीजों को इग्नोर करना है, मिनिमाइज करना है। हमने भी ऐसी दिक्कतों का सामना किया और आपके सामने है, तो आपको भी उन चीजों को समझना है कि कैसे हम उससे उभर करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो लक्ष्य प्राप्ति जो करना है वो आपका प्रथम लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे वही करना है, बाकी चीजें आती रहेगी और जाती रहेगी। तो लास्ट में एक शेर सुना देते हैं, ये जो आईने पे गुबार है तेरी नजर का हिसार है, ये जो आईने पे गुबार है तेरी नजर का हिसार है, मतलब आईने पे जो डस्ट है वो आपकी नजर का क्या है, धोखा है। था जिनको सवरने का हौसला इसी आईने में सवर गए, मतलब ये कि आप जिस सिस्टम में रहते हैं उसमें कुछ खामियां भी होती है, तो आप उसको देख करके परेशान न हो सकता है आपको बैठने में दिक्कत हो सकता है आपको कुछ समझने में दिक्कत हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये आपके नजर का धोखा है, क्योंकि इसी क्लासरूम से बच्चे बैठ करके पढ़ करके क्वालिफाई करके चले गए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये जो आईने पे गुबार है तेरी नजर का फिसार है, था जिनको सवरने का हौसला, जो चाहते थे डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना, इसी आईने से सवर गए। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी बात कि एक जो ओबीडियंसी है उसको फॉलो करना, अपने मोरल वैल्यूज को पहचानना है, अपने एक अच्छे संस्कार को डेवलप करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सबके तरफ से और अपनी तरफ से भी थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप लोगों ने काफी मेहनत किया है और इतने कम पीरियड में, परसों टेस्ट था, एक दिन का टाइम मिला, वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच और वो भी मूड खराब, ठीक है, और उसके बाद आपने इतने कम टाइम में ऐसा परफॉर्म किया। और एक चीज सिर्फ लास्ट में बोलना चाहेंगे कि आपके जीत के साथ टीचर्स की जीत है और आपके हार के साथ टीचर्स की हार है। अगर आप फेल्योर होते हैं तो टीचर्स हारता है, याद रखिएगा, और अगर आप जीतेंगे, जिस दिन सिलेक्शन होंगे टीचर्स उस दिन जीत जाएगा, इसलिए इस जीत को बनाए रखना है। एंड थैंक यू वेरी मच सबके तरफ से भी कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, और कोई कमी हो गई हो तो माफ कीजिए।